बॉलीवुड के लिए शायद काफी आम सा चीज हो गया है इंडियंस के सेंटिमेंट्स के साथ खेलना और हिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ करना। देखिए, हिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ करने से मेरा मतलब ये है, अभी रिसेंटली 2 दिन पहले यानी फ्राइडे के दिन मूवी रिलीज हुआ है आदि पुरुष। आप सभी जान रहे होंगे मोस्ट अवेटेड मूवी है ये और प्रभास की बहुत बड़ी मूवी है। 600 करोड़ का बजट है भाई साहब इन मूवी का, 600 करोड़ का बजट है और इस मूवी को जो है बेसिकली पिक्चराइज्ड है हमारे भगवान राम के ऊपर में, और श्री राम के ऊपर में जो मूवी पिक्चराइज्ड है और उसी के बारे में सब कुछ यहाँ पे बताया गया है। लेकिन हमने जो पढ़ा हुआ है, जो आप वाल्मीकि के रामायण में पढ़िएगा या फिर रामानंद सागर का जो पहले जो रामायण आता था उसमें जो आप पढ़िएगा जो देखिएगा, उनसे बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। देखिए, इस पर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी भी हो रहा है, ये वीडियो बनाने का मकसद ही यही है, कॉन्ट्रोवर्सी हो रहा है। नेपाल इस मूवी से काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है, काफ़ी ज़्यादा वो सेटिस्फाइड नहीं है। रीज़न इज़ दैट इस मूवी में बताया गया है कि सीता भारत की बेटी है। अब नेपाल का भारत के साथ जो है टर्मिनोलॉजी है, बेटी और रोटी का टर्मिनोलॉजी ही है। अब बेटी रोटी ऐसा ही थोड़ी हो जाएगा, मतलब हमारे यहाँ की बेटियाँ वहाँ पे शादी होके गई और वहाँ से रोटी हम खा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। इस वजह से बेटी रोटी का टर्मिनोलॉजी नहीं है। बेटी रोटी का टर्मिनोलॉजी इसलिए है कि माँ सीता जो है वो नेपाल की बेटी कही जाती हैं, ठीक है, और उसके बाद शादी होकर वो भारत में आई है ना, दशरथ जी के यहाँ राम जी की बीवी बनी। तो बेसिकली ये जो सारा जो माजरा है, इस हिसाब से बेटी और रोटी का टर्मिनोलॉजी बोला जाता है। तो पहला कंट्रोवर्सी तो यहीं से उठता है। खैर, आगे और भी कंट्रोवर्सीज हैं, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन ये मूवी जो है, जिस हिसाब से इस मूवी को पिक्चराइज किया गया है, हर एक चीज़ आपको यहाँ पे, मतलब मैं क्या बोलूँ, इससे अच्छा मूवी अगर हम और आप मिलके बना ले तो अच्छा बना लेंगे। इनसे अच्छा एडिटिंग मैं कर लूँगा, इनसे बेहतर एडिटिंग मैं कर लूँगा। पहला जो सीन स्टार्ट होता है मूवी का, आप जब देखोगे मूवी, पहला सीन स्टार्ट होता है, पहले सीन में ब्रह्मा जी आते हैं, अवतरित होते हैं, मतलब आपको एक सीन, पहला जो सीन आएगा वहाँ पे दिखेगा रावण जो है यानी सैफ अली खां एक बर्फीले जगह पे तपस्या कर रहे हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी आते हैं, ब्रह्मा जी आके उनको बोलते हैं कि मांगो, तुम क्या मांगते हो। चुप रहता है बंदा, कुछ नहीं बोलता है। तो वो बोलते हैं कि देखो, जो इंसान का जन्म हुआ है वो मरेगा ही, सही बात है। फिर भी वो चुप रहता है, रावण अपना सिर झुका लेता है, बोलता है मतलब कुछ नहीं, कुछ जवाब उसने नहीं दिया, कुछ बोला मांगा नहीं। ब्रह्मा जी अपने मन से ही उनको वरदान देते हैं, अच्छा ठीक है, ना तुम जानवर से मरोगे, ना देवता से मरोगे, ना दिन में मरोगे, ना रात में मरोगे। ये तो भाई, ये वाला जो लॉजिक है, ये तो हिरण्यकश्यप को ऐसा वरदान मिला था, रावण को वरदान था कि वो नस्वर इंसान को छोड़ के, यानी इंसान नस्वर है, नस्वर इंसान के बारे में उसने नहीं बोला था कुछ। वो बोला भाई, हम ना भगवान से मरे, ना दानव से मरे, ना जानवर से मरे, ना सांप से मरे। उसका बेसिकली वरदान यही था, उसने नस्वर इंसान के बारे में बात ही नहीं किया था, मतलब उसके दिमाग में इंसान नस्वर है और इंसान उसको हानि नहीं पहुंचा सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो है सारा कॉन्सेप्ट, एक तो पहले तोड़ मरोड़ के यहाँ पे पेश किया गया। दूसरा चीज, जब ब्रह्मा जब आएंगे आपको फर्स्ट सीन में, वहाँ पे आप देखोगे ब्रह्मा को हमारे आपके जैसा एक नॉर्मल से कपड़ा पहना दिया गया है, मतलब जो साधु का वेशभूषा होता है ना, सफ़ेद से कपड़ा पहना दिया गया है और ब्रह्मा आपको नॉर्मल से दिखेंगे। मतलब कुछ ब्रह्मा के साथ इन लोगों ने कुछ, मतलब ना ही ब्रह्मा ने कुछ आभूषण पहना है, ना ही ब्रह्मा का भाई 3 सर दिखता है, 4 हाथ दिखता है। चलो ठीक है, बहुत पुराने हो गए उस टाइप का जो ओवरऑल जो सिनारियो है, चलो आप उस टाइप का नहीं दिखा सकते हो, लेकिन कम से कम ब्रह्मा को तरीके से दिखाओगे, मतलब टोटल वेस्ट। पहला तो ये है। अब आते हैं इसके एडिटिंग के ऊपर में, कि आइए तो अब हम लोग बात कर लेते हैं एडिटिंग के ऊपर में। देखिएगा यहाँ पे जो इनके द्वारा असेम्ड वर्क्स में मैंने कुछ यहाँ पे लिस्ट छाटा हुआ है, सबसे पहले नंबर पे आता है VFX। इतने सस्ते क्वालिटी का है, 600 करोड़ का बजट रख के आप VFX, अगर आपको एडिटिंग काइन मास्टर से ही करना है तो भाई हम लोग को हायर कर लो, हम लोग आपसे अच्छा एडिटिंग कर सकते हैं। VFX क्वालिटी इतनी डल है, इतनी डल है VFX क्वालिटी, डल और पता नहीं किस हिसाब से इन्होंने ये सोचा है। हमने हमेशा किताबों में पढ़ा है, पुराणों में पढ़ा है, आप अगर तुलसीदास का रामायण पढ़िएगा वहाँ पे भी पढ़ा गया है, रामानंद सागर का रामायण जब देखिएगा उसमें भी दिखाया गया है, भाई जो लंका है वो सोने की थी। इन्होंने लंका को काला कलूठा कोयले का बना दिया है, मतलब काला लंका देखा है कहीं, काला कलूठा कोयले का लंका, काला लंका। VFX में जो रावण की सेना दिखाई गई वो साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, कंप्यूटर जनरेटेड इमेज ही है,
ठीक है, साफ दिख रहा है, मतलब वहां पे कोई भी मेहनत नहीं की गई है। इनसे बेहतर तो भाई वो जो अपना बाहुबली बना था, बाहुबली में असली इंसानों को यूज करके और उसके बाद जो VFX का इस्तेमाल किया गया था वो होता है असली VFX। ओम राउत, इन्होंने तान्हाजी मूवी बनाई थी अजय देवगन के साथ, इतनी अच्छी मूवी वो थी ओम राउत की। लेकिन अब जो इनका जो ये मूवी जो बना है, इतना वर्स्ट क्वालिटी का मूवी है, इतना वर्स्ट मूवी है जिसका कोई हिसाब नहीं है, इसका कोई हिसाब नहीं है। दूसरा कॉस्ट्यूम्स इतने वर्स्ट हैं, तो कॉस्ट्यूम इनका इतना थर्ड ग्रेड का कॉस्ट्यूम है, मतलब मेघनाथ को देख लो, रावण को खुद देख लो, और सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग में ही बोला ब्रह्मा जी को, मतलब कॉस्ट्यूम मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बजट आपका 600 करोड़ का है, आप वैसे भी क्या चांदी का और क्या सिल्वर का, आप तो वो चांदी का और लोहे का मतलब ज्वेलरी वगैरह बनाते हो, रोल गोल का ज्वेलरी होता है, वो भी आप अफोर्ड नहीं कर सकते थे ओम राउत जी? मतलब इतना वर्स्ट क्वालिटी का है, इतना वर्स्ट क्वालिटी मतलब मैं बता नहीं सकता। डायलॉग्स यहाँ देख लीजिए, मतलब मर्यादा बिल्कुल ही कुछ दिखाई नहीं गई यहाँ पे। डायलॉग्स हनुमान जी डायलॉग मारते हैं कि लंका तुम्हारे बाप का, ठीक है, और मतलब ऐसा कुछ समथिंग है, लंका तुम्हारे बाप का है, आग तुम्हारे बाप का है, जलेगी भी तुम्हारे बाप की, मतलब वो मेघनाथ को हनुमान जी ऐसा डायलॉग बोलते हैं, मतलब जब वो लंका में आग लगाते हैं तो वो इस टाइप से बोलते हैं, है ना, कि आग तुम्हारे बाप का, सेना तुम्हारे बाप की, महल तुम्हारे बाप का, जलेगी भी तुम्हारे बाप की, ये इस टाइप का डायलॉग है। मतलब इतना वर्स्ट क्वालिटी का सब कुछ डायलॉग भी था, प्रेजेंटेशन इतना वाहियात, इतना वाहियात, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपने 2 घंटे 53 मिनट की, 35 मिनट की आपने मूवी बनाई हुई है, 40 मिनट की मूवी बनाई हुई, 2 घंटे 40 मिनट के आसपास की, उसमें मतलब चलो ठीक है, आपने कुछ भी जो मेजर जो सारी चीज़ें हैं वो कुछ दिखाई नहीं है। रावण जब मरता है, रावण जब मर रहा है उस टाइम में इनको पता नहीं कहाँ से राम जी को आत्मबोध हो जाता है, ठीक है, इनको अपने आप ऐसा ज्ञान आ जाता है कि मतलब कि रावण के नाभि में उनका वो है, क्या बोलते हैं, जान है, हनुमान जी अपने कंधे पे लेके उनको उड़ रहे हैं और वो तीर मारते हैं उनके नाभि में रावण के, और रावण मर जाता है। जबकि एक्चुअल में विभीषण ने पहले ये भेद खोला, विभीषण बोलता है कि भाई भैया के जो है जान उनके नाभि में है, आप नाभि में मारिए, आप बार बार सिर में मार रहे हैं, वो मरेंगे नहीं, तब जाके पता चलता है। मतलब कुछ नहीं, इनको आत्मबोध हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है। अरे वो इंसान में अवतरित हुए थे, भगवान थे वो, लेकिन वो इंसान रूप में अवतरित हुए थे, उनको ऐसा आत्मज्ञान का बोध नहीं होने वाला था, उनको बताया गया था विभीषण के द्वारा। इतना वर्स्ट क्वालिटी, इतना वर्स्ट टाइप का इनका प्रेजेंटेशन है, बताया नहीं जा सकता है। सॉन्ग्स क्या मतलब है बार बार सॉन्ग्स डालने का, 2-3 तो गाने इसमें डाल दिए गए हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मतलब चलो ठीक है, आप हिंदी मूवी बना रहे हो तो हिंदी मूवी में ऐसा कहीं है क्या, जरूरी है सॉन्ग डालो ही डालो, एकदम वर्स्ट। 600 करोड़ का बजट, किस काम का ये बजट है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। 600 करोड़ का बजट है इनका, लेकिन किसी काम का ये 600 करोड़ का बजट मुझे दिखा नहीं है। तो ये मूवी जो है, मुझे ओवरऑल जो इसमें प्रॉब्लम क्या क्या लगी है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो नेपाल को यहाँ पे दिक्कत हो गया है, जो सीता माँ को बताया गया है कि भारत की बेटी हैं, ठीक है, तो इसके साथ नेपाल को डिस्प्यूट हो गया है। दूसरा, सेंटिमेंट्स को काफ़ी हर्ट किया गया है। आप मेजर जो भी इवेंट्स हैं, आप चलो ठीक है राम जी बचपन में उनका जन्म होता है, कैसे कैसे सब कुछ होता है, कुछ दिखाया नहीं। मेजर इवेंट तो उनका शादी भी है, परशुराम का वो धनुष तोड़ते हैं तब जाके सीता जी से उनका स्वयंवर होता है, आपने वो इवेंट नहीं दिखाया है। उसके बाद कहने का मतलब है कि और भी जो मेजर इवेंट्स हैं, बहुत से मेजर इवेंट्स हैं। एक है प्रिंस राम करके एक मूवी है, एनिमेशन मूवी है, 2.25 घंटे की मूवी है, उस मूवी में उन्होंने सब कुछ दिखा दिया है। 2.25 घंटे की मूवी में आपके पास 35-40 मिनट का ज़्यादा समय मिल रहा है, फिर भी आप 35-40 मिनट में आप कुछ तरीके से नहीं दिखा पाए। आपका ना प्रेजेंटेशन बढ़िया है, ना पिक्चराइजेशन बढ़िया है, ना कॉस्ट्यूम बढ़िया है, ना एडिटिंग बढ़िया है, ना VFX बढ़िया है, नथिंग, कुछ भी नहीं। यहाँ पे सीधा का सीधा सेंटिमेंट से खेला गया है। यहाँ पे ओम राउत का और मेकर्स का ये स्टेटमेंट है, ये मूवी यूथ के लिए बनाई गई है। अरे भाई, यूथ को आप क्या दिखाना चाह रहे हो? अभी लॉकडाउन में रामानंद सागर की दोबारा से रामायण चलाई गई थी, यूथ ने सब देखा है, और जो बच्चे हैं ना उन्होंने दोबारा से रामायण देख लिया है, और रामायण देखने के बाद बच्चे बच्चों को अब स्टोरी ये पता है। आप यूथ को क्या दिखाना चाह रहे हो? यूथ को भी तो आप सही दिखाओगे, यूथ को आप उल्टा पुल्टा दिखा रहे हो, आप ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हो। मतलब हमारे दिमाग में जो इमेज है ना राम का, वो हमारे दिमाग में इमेज है राम का, देखो क्लीन से राम को इन्होंने मूछें बढ़वा रखी हैं प्रभास की, किस हिसाब से?
पूरे मूवी में आप देखोगे राम शब्द कहीं जिक्र ही नहीं हुआ, राघव बोला गया। चलो ठीक है, राम जी का राघव नाम है, सीता माँ का सीता बोला गया है, लक्ष्मण जी को जो है अनुज बोला गया है, कहीं लक्ष्मण नाम ही नहीं यूज़ किया गया है। वो छोड़िए, सबसे बड़ा जो ड्रास्टिक यहाँ पे ड्रॉबैक है, रावण आया था पुष्पक विमान में और माँ सीता को हरण करके ले गया था। भाई ये पता नहीं कौन चील चमगादड़ को लेके आया रावण, ठीक है, चील चमगादड़ को लेके आया और रावण उसको खाना खिला रहा है, मांस खिला रहा है, बाद में वो भी दिखाया गया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा किस हिसाब से, क्या पगला गए थे तुम लोग, किस हिसाब से ये सब कुछ जो है प्रोजेक्ट किया गया है। 600 करोड़ तुमने कहाँ डाला है, कहीं दिख नहीं रहा है। तुमसे अच्छी एडिटिंग पोगो वाले करते हैं, मोटू पतलू देख लो, छोटा भीम देख लो, तुमसे अच्छी एडिटिंग उनकी है, वो लोग ठीक ठाक सा VFX यूज़ कर लेते हैं। 600 करोड़ लगा के मतलब टोटली वेस्ट, टोटल इसी वजह से कंट्रोवर्सी हो रहा है, बायकॉट का इसी वजह से बात चल रही थी। राम का जो पूरा जो कैरेक्टर दिया गया है, ऐसा लग रहा है अलाउद्दीन खिलजी है राम, रावण माफ़ कीजिएगा, रावण जो है उसका जो पूरा ओवरऑल जो गेटअप है, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ हैं, मतलब कुछ नहीं, मतलब कहीं से वो रावण दिख ही नहीं रहा है। वैसा लग रहा है कि नॉर्मल सा कोई मुस्लिम शासक है, मुस्लिम रूलर है, मुगल डायनेस्टी से उठा के ले आया है ना, या खिलजी डायनेस्टी से उठा के ले आया है, वो जो है यहाँ पे एक्ट प्ले कर रहा है। बाय द वे सैफ अली खान ने बहुत तगड़ा एक्टिंग किया है, सैफ अली खान का एक्टिंग बहुत अच्छा लगा है, लेकिन प्रभास का इसमें एक्टिंग मुझे बियॉन्ड द एवरेज लगा है। आपका इसके ऊपर में क्या कमेंट है, क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और बहुत ज़्यादा भी इसके ऊपर कंट्रोवर्सी हो रही है, इस वजह से ये मूवी मतलब मैंने तो देखा है तो उसके बाद मुझे बिल्कुल ही ये वेस्ट ऑफ मनी लगा। तो फिर मैं सोचा चलो एक बार इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे सेंटिमेंट्स और हमारे हिस्ट्री के साथ, हमारा जो माइथोलॉजी हम लोग जो पढ़ते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, उनके साथ छेड़छाड़ किया गया है, तो इस चीज़ को आपके सामने रखना ज़रूरी था। क्या आपका राय है कमेंट कर जरूर बताइए, वीडियो को शेयर ज़्यादा